अभी हाल में ही हाथरस में जो घटना हुई उसके बाद उनको ऐसा लगा कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे किया जाए, इसके लिए उनको जब तक आगे नहीं किया जाएगा तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब वो स्वयं आगे आएंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसके लिए सभी थानों पे महिला हेल्प डेस्क का एक निर्माण कराया गया है। अभी तक महिला हेल्प डेस्क चलते थे और लोग आके एप्लीकेशन देते थे, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा किसी थाने पे नहीं होता था। थानों पे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद मनमानी तरीके से कोई काम होता था, जिससे ऐसा लगता था कि पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता को लाने के लिए इस महिला हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया है। महिला हेल्प डेस्क में जो महिला रहेगी, पहला काम तो ये महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए केवल नहीं है, ये किसी भी पीड़ित और आगंतुक जो भी यहाँ थाने पे आएगा उसके लिए है। महिला उसकी सुनवाई करेगी। जब महिला सुनवाई करती है तो लोगों को लगता है कि ये इनसे ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं हो सकता, और अपनी बात बताने में